आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस डिजिटल इंडिया का डिजिटल चैनल। जम्मू कश्मीर से धारा 370 व 35 से हटने से टूटी आतंकवादियों की कमर। देश में खुशी का माहौल। हाथरस शहर में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने मनाया जश्न। राष्ट्र स्वाभिमान दल के संयोजक दीपक शर्मा ने इसी खुशी में आतिशबाजी चलाकर व एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दिया कश्मीर हमारी शान है, भारत की पहचान है का नारा। वहीं बजट क्षेत्र मंत्री भारतीय जनता युवा मोर्चा विपिन लवानिया व नीरज शर्मा द्वारा मिठाई बांटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह को हार्दिक बधाइयां दी गईं। वहीं पर हिंदू जागरण मंच और महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने खुशी में तिरंगा लहराते हुए जमकर की आतिशबाजी, बांटी मिठाइयाँ और जमकर की नारेबाजी। सर्वप्रथम मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने 125 करोड़ देश की जनता का जो वादा किया वो पूरा करने का काम किया। 370 धारा न दो विधान चलेंगे, न दो निशान चलेंगे, न दो प्रधान चलेंगे, ऐसा काम नरेंद्र भाई मोदी जी ने की सरकार में हो सकता था। मुझे गर्व है, मैं भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी हूँ। बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने और देश के गृहमंत्री अमित शाह जी ने। आज कश्मीर को भारत 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन आज जम्मू और कश्मीर राज्य पूरी तरह से आज़ाद हुआ है। उसे आज़ादी मिली है अलग झंडे से, उसे आज़ादी मिली है अलग कानून से, उसे आज़ादी मिली है आज विच्छेदों से, अनुच्छेदों से। आज हम कह सकते हैं सीमा चौड़ा करके कि जम्मू कश्मीर अब भारत का अभिन्न अंग बन गया। मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मोदी सरकार ने 35 और 370 को लेकर जो वादा देश के युवाओं से किया था, जो वादा राष्ट्रवादियों से किया था, जो वादा हिंदुस्तान की जनता से किया था, उसे पूरा किया है। सरकार बनते ही पूरा किया है और हम उम्मीद रखते हैं कि इसी तरह से, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को आज़ाद किया है तंबू से, भगवान श्री राम को भी बहुत जल्दी ही आज़ादी मिलने वाली है। और देशद्रोहियों को सचेत हो जाना चाहिए, पत्थरबाजों को सचेत हो जाना चाहिए, सेपरेटिस्ट को सचेत हो जाना चाहिए, जो जम्मू कश्मीर को तोड़ने की बात करते हैं उनको सचेत हो जाना चाहिए, या जो भारत में रहकर भारत के टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाते हैं, उन्हें सचेत हो जाना चाहिए कि अब इस धरा पर उनके लिए एक इंच भी जमीन शेष नहीं है। ये देश सिर्फ हिंदुस्तानियों का है जो देश को तोड़ने के सपने देखते हैं। अब सपनों के साथ साथ उन्हें भी तोड़ने का वक्त आ गया है। ये फैसला लेकर के अमित शाह जी ने इस बात पर मोहर लगा दी है। पर समाचार के माध्यम से हम सबको मालूम पड़ा कि केंद्र सरकार के गृह मंत्री माननीय अमित शाह ने संसद में ये बताया है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर राज्य में 35 और 370 धारा को समाप्त करती है। इस घोषणा से पूरे देश में बहुत खुशी का माहौल है। हम सब लोगों को बहुत अच्छा लगा। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। देश की जनता की कई दशकों से मांग थी कि जम्मू कश्मीर में जो भेदभाव का कानून है, जो आतंकवादियों को मदद करने वाला कानून है, ऐसे कानून 370 को समाप्त किया जाए, 35 को समाप्त किया जाए। और ये जो फैसला आज हुआ है ऐतिहासिक फैसला है। और भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में भी वादा किया था, और जो केंद्र सरकार के घोषणा पत्र का वादा था धारा 370 को हटाने का, ऐसे वादों के कारण ही देश की जनता ने, राष्ट्रवादी ताकतों ने उनको विजय बनाया था। और पूरे देश की जनता, देशभक्त लोगों की नरेंद्र मोदी जी से मांग थी कि वो अपने 56 इंच के सीने की ताकत को दिखाते हुए, क्या 370-35 हटने से आतंकवाद की कमर टूटेगी? आतंकवाद की कमर टूटेगी, क्योंकि 370-35 से आतंकवादियों को, अलगाववादियों को बहुत बड़ी ताकत दे रही थी। अब जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना था, उनका सपना था कि एक निशान, एक विधान और एक प्रधान, ऐसा जम्मू कश्मीर में रहे। आज उनका सपना सच हुआ। उनकी जो शहादत जम्मू कश्मीर में हुई थी, कश्मीर को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान दी थी, कुर्बानी दी थी, उनकी हत्या हुई थी, आज उसके उनको सम्मान मिला है। और उनकी जो मांग थी आज उनको केंद्र सरकार ने पूरा किया है। बहुत स्वागत योग्य फैसला है। हम सभी हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता, राष्ट्रवादी कार्यकर्ता, भारतीय
जनता पार्टी के कार्यकर्ता जितने भी है सब लोग इस फैसले से बहुत खुश हैं और दर्जनों लोगों ने मिठाई बांटी है, पटाखे चलाए, बहुत खुशी का माहौल है और हम इसके लिए केंद्र सरकार को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय अमित शाह जी को हृदय से बधाई देते हैं, उनका आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने देश की मांग पर विचार करते हुए ये अपना ऐतिहासिक फैसला किया है। बहुत बहुत केंद्र सरकार को बधाई। जो ऐतिहासिक फैसला हुआ है धारा 370 जो हटाई गई है उसकी खुशी में हम ये मिठाई बांट रहे हैं। कैसा महसूस कर रही हैं आप? जैसा आज खुशी का माहौल है कि ये बताना भी शायद हम लोग जाहिर भी नहीं कर सकते। ये आप देख रहे होंगे इतने सारे पटाखों की आवाज चारों तरफ गूंज रही है, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, तो ये आज किसी त्योहार से भी ज्यादा खुशी का माहौल है।